नमस्कार दोस्तों, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम, आजकल वो डिफ़िकल्ट सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। जैसे कि 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लिकेशन या फिर इससे भी बड़े संख्या का मल्टीप्लिकेशन, डिवीशन आपको क्वेश्चन के दौरान करना पड़ रहा है, जिससे कि आपका वक्त बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और आपका कट ऑफ क्लियर हो नहीं पा रहा। तो इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन हम 1 सेकेंड के कम समय में कर पाएंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। हम इस तरीके की मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, जीके के ऊपर, रीसेंट करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस लाते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ये वाला शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। ये शॉर्ट ट्रिक तभी इम्प्लाई होगा जब 100 के बहुत नज़दीक 2 नंबर्स दिए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर, ये चारों नंबर जो है 100 के बहुत ही ज़्यादा पास है। अगर नंबर मान लीजिए 198 हो गया या फिर 100 से ज़्यादा हो गया, उसके लिए दूसरा शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आगे वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको समझा दूंगा। आज के लिए यही शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं पहले। तो देखिए, अगर 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो फिर हमें पहले देखना पड़ेगा ये 100 से कितना ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 से 9 ज़्यादा है। हमें इन दोनों नंबर को क्रॉस में ऐड कर लेना पड़ेगा। आप इस डायगोनल भी कर सकते हो या फिर आप इस डायगोनल भी कर सकते हो, दोनों में एक ही आएगा 113। ठीक है, 104 से अगर हम 9 को ऐड करें तो फिर 113 आता है। और ये साइड में आपने जो दो नंबर लिखे हैं उनको आपको मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, वो आ जाएगा 36। तो दोस्तों, इतना करने में आपको कितना वक्त लग सकता है हाईएस्ट? क्या 1 सेकंड में आप ये नहीं कर पाएंगे? चलिए, अगर इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो फिर आगे दूसरे एग्जाम्पल में हम ये समझते हैं। 105 एंड 117 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए दोस्तों, 100 से 105 5 ज़्यादा है और 17 ज़्यादा है 117। तो फिर मैंने जैसा बताया, इनको क्रॉस में ऐड कर लेना पड़ेगा, हो जाएगा 122। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा 85। तो फिर आंसर आ जाएगा 12285। कितना वक्त लग रहा है? 1 सेकंड, 2 सेकंड। अगले पेज में देखते हैं, 102 और 103। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। देखिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो फिर इसको हम ऐड कर लेंगे 105, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर 6 आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे, हमेशा यहाँ पर हम 2 नंबर्स लिखेंगे, 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 06। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10506। ये 24 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, हम क्रॉस में ऐड कर लेंगे 127, और अगर 24 से 3 मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर 72। तो क्या इतना आप कर पाएंगे एग्जाम में? क्या अब एग्जाम में इस तरीके की कोई भी सवाल, इस तरीके की कोई भी कैलकुलेशन अब से हल नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, होगा। आप एक एग्जाम्पल लीजिए। अब ये एग्जाम्पल आप लोग मुझे करिए, कमेंट कर दीजिए क्या इसका सही जवाब होगा, कमेंट करना मत भूलना। चलिए अब देखते, देखिए ऐसा ऐसा मल्टीप्लिकेशन तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना? क्या आपसे एग्जाम में कहेगा कि 116 से 105 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? इतना आसान तो नहीं पूछता। आपसे पूछा जाएगा एरिथमेटिक, आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग। उसमें आपको ये ट्रिक इम्प्लीमेंट करना है और आपका समय बचाना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक रीजनिंग है, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं 12, 12, 45, 180, 1170, और फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं रखे हैं क्योंकि ये रीजनिंग का कोई क्लास नहीं है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। तो चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ और देखते हैं 12 से मैं 12 तक कैसे जा सकता हूँ, इसको 1 से गुना करके। जी हाँ दोस्तों,
अगर मैं पूछूं 12 से 18 कैसे बनाऊंगा, तो आप बोलेंगे इसको अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये बन जाएगा 18। 18 को हम दोस्तों 45 कैसे बनाएंगे? अगर 18 से हम 2 गुना करें तो फिर आता है 36, और अगर 3 गुना करें तो फिर आता है 54। 45 जो नंबर है वो 54 और 36 के एकदम बीच में है। तो आपको पता चल रहा है कि अगर हम इसे 2.5 से गुना कर दे, 2.5 से गुना कर दे, तो फिर हमको 45 मिल जाएगा। ठीक है, 45 से 180 कैसे बनाते हैं? ये आपको पता है, यहाँ पर 4 गुना करने से, 4 से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो फिर क्या यहाँ पर कोई सीरीज बन रहा है? क्या यहाँ पर कोई सेकेंड सीरीज बन रहा है? चलो देखते हैं यहाँ पर कोई सेकेंड सीरीज बन रहा है क्या। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंड सीरीज भी बन रहा है। देखिए, ये 2.5 कहाँ से आया? 1 और 1.5 को ऐड करने से ये 2.5 आ रहा है, 1.5 और 2.5 ऐड करने से ये 4 आ रहा है। क्या आपको ये सीरीज समझ में आ रही है? ये एक सीरीज के अंदर एक सेकेंड सीरीज है। तो फिर बताइए यहाँ पर 180 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बने? ये तो बहुत डिफिकल्ट है बताना, लेकिन अगर हम ये सेकेंड सीरीज समझ जाए तो फिर हम आसानी से बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2.5 और 4 ऐड करके जितना आएगा, यानी कि 6.5 इंटू करके हमको मिलेगा 1170। तो आपको समझ में आ रहा है? ये वाला मल्टीप्लिकेशन हमने 4 से किया था। तो फिर अगले यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला आंसर निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, आएगा 10.5। हमें 1170 से 10.5 ऐड करना पड़ेगा, 1170 के साथ हमें 10.5 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1170 से हमें 10.5 अभी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पर आएगा हमारा ये शॉर्ट ट्रिक काम। क्या दोस्तों आप 1170 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे 10.5 का? दोस्तों पहले अगर आप करते तो फिर आपको यहाँ पर इसको लिखना पड़ता, उसके बाद आपको यहाँ से 5 × 0 = 0 ऐसे करना पड़ता, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता। लेकिन दोस्तों अभी आपको क्या पता है? अभी आपको पता है शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पॉइंट उठा देंगे और ये 0 काट देंगे, ऐसा होता है ना? मतलब ये पॉइंट उठाने से नीचे 10 आया और ये 0 से 0 कट गया, समझ रहे हैं आप? तो फिर हम 105 से गुना करेंगे 117 का। ठीक है, 105 से 117 का गुना कैसे करेंगे दोस्तों? हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, हम इसको पहले ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं, 105 और 117। तो फिर ये 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। इसको हम क्रॉस में ऐड कर लेंगे, 122 और 5 × 17 हम कर लेंगे 85। क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या अभी आप ये रीजनिंग बहुत ही जल्द कर पाएंगे? हाँ, आपको नंबर सीरीज का जो ट्रिक है वो आपको सीखना पड़ेगा, रीजनिंग की क्लासेस में सीखना पड़ेगा, लेकिन क्या आप इस मल्टीप्लिकेशन को 1 सेकेंड में कर पाएंगे? तो आप कहेंगे जी हाँ, मैं इसको कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इसको दोस्तों के साथ, इस मज़ेदार शानदार ट्रिक को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो फिर वीडियो को शेयर करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के दूसरे लिंक्स भी मिल जाएंगे, चैनल आप खोल के भी देख सकते हो। हमारे जीके के ऊपर, रिसेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो फिर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।